माल को कोर्ट तक ले जाएंगी स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी पर मालीवाल ने लगाए गंभीर आरोप। तुम्हारे फैलाए हर झूठ को करूंगी बेनकाब, कोर्ट जाऊंगी। स्वाति मालीवाल के हुंकार से आप में मचा हड़कंप। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दारू ने बदनाम क्या किया, उनकी मुसीबतें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। 20 दिन के लिए जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन स्वाति मालीवाल मारपीट मामले ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विवेक कुमार ने स्वाति मालीवाल से मारपीट की और इसके बाद आम आदमी पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी के विरोध में बोल रही है और अब उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगी। और इसके बाद आपके मंत्रियों पर स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर दी। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है और इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस विवेक कुमार को सीएम केजरीवाल के आवास पर ले गई और एक बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अब खुला चैलेंज कर दिया है। दरअसल अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को लेकर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया। मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे हर एक झूठ को बेनकाब करूंगी और कोर्ट तक जाऊंगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज मुझे ये सुनकर दुख हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता मुझे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट में लिखती हैं, कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की FIR हुई है और इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये FIR 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी और जिसके बाद मुझे CM और LG दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है और जिस पर 2.5 साल से माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विवेक कुमार के खिलाफ कम्प्लेन देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंगम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवा कर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को भी नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा न हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजरें न मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से ट्वीट करते हुए स्वाति मालीवाल ने बता दिया कि आने वाले वक्त में वो क्या करने वाली हैं। बता दें कि आपसे राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विवेक कुमार फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। बीती 18 मई को 30 जारी कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड भी उन्हें दे दी है। उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की गई। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल को बदनाम करने का हर एक प्रयास किया गया। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल ने अब कह दिया है कि तुम्हारे हर एक झूठ को मैं नकाब करूंगी और तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगी। स्वाति मालीवाल के इस बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।